जुर्म के रास्ते तमाम हैं, लेकिन हर रास्ता पहुंचता है सलाखों के पीछे। हर अपराधी खुद को बेहद शातिर समझता है। वो सोचता है कि उसने जो जुर्म किया उसका किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अपराध और अपराधी कैसा भी हो वो जुर्म के निशान पीछे छोड़ जाता है। मैं और मेरी टीम ऐसे सुरावों का पीछा करते पहुंचते हैं गुनहगार के गिरेबान तक, और फिर वो अपराधी पहुंचता है अपने अंजाम पर। हमारा मकसद सिर्फ एक है, क्राइम की हर दस्तक पर मजबूत प्रहार, जिसके लिए चलती रहेगी हमारी इन्वेस्टिगेशन। चर्चित उन्नाव रेप कांड का आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के आतंक का आलम यह है कि रेप पीड़िता ने केस को दिल्ली ट्रांसफर और आरोपी विधायक को उन्नाव जेल से दिल्ली जेल भेजने की गुहार लगाई है। आखिर किस बात का डर है पीड़ित को और उनके परिवार को? विधायक से बना खलनायक कुलदीप सेंगर, चर्चित उन्नाव रेप कांड का है आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर। पुलिसिया साठ गांठ का मास्टर है आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर। आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर का आतंक बरकरार। सत्ता और सजा, जी हां, हम बात कर रहे हैं चर्चित उन्नाव रेप कांड की, जिसके आरोपी सत्ताधारी पार्टी के विधायक से खलनायक बने कुलदीप सेंगर को उसके असल अंजाम तक पहुंचाने, यानी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ढकेलने के लिए और उसे सजा दिलाने के लिए पीड़िता ने मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर और आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली जेल भेजने की गुहार लगाई है। उन्नाव गैंगरेप मामले में आज आरोपी विधायक की 14 दिन की रिमांड खत्म होते ही सीबीआई ने उन्नाव जेल में शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद जेल अधीक्षक से आरोपी विधायक की रिश्तेदारी को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। उन्नाव रेप कांड पीड़िता की गुहार, उन्नाव जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट हो आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर। उन्नाव जेल के अधिकारी हैं विधायक के रिश्तेदार। पीड़िता को आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर से अपनी जान का खतरा। खलनायक विधायक को दिल्ली जेल भेजने की लगाई गुहार। मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर करने की गुहार। दरअसल पीड़ित परिवार आरोपी विधायक को उन्नाव जेल में शिफ्ट किए जाने पर सवाल खड़े कर रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाते कहा है कि उसके पिता की इसी जेल में हत्या कर दी गई थी और जेल अधीक्षक से विधायक की रिश्तेदारी है, ऐसे में विधायक के लिए जेल आरामगाह रहेगी। पीड़ित परिवार की माने तो उन्नाव जेल से विधायक सब कुछ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित तक कर सकते हैं। जिस जेल में हमारे पापा की हत्या हुई है उस जेल से हमको न्याय नहीं मिलेगा। हमारा मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर किया जाए और कुलदीप सेंगर को दिल्ली जेल भेजा जाए, इसलिए उन्नाव के जो जेल के अधिकारी हैं, इनके रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार को भी इनसे खतरा है। उन्नाव में क्या लगता है, अब आप लोग अपने घर नहीं जाना चाहते हैं? हम अपने घर नहीं, जब तक इनको दिल्ली जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। हमारा मुकदमा ट्रांसफर दिल्ली कराया जाए। किस बात का डर है आप लोग? ये लोग जेल से दबाव बनाएंगे, हमको मार डालने की। कुलदीप सेंगर को उन्नाव जेल में नहीं शिफ्ट करना चाहिए था, क्योंकि मेरे भाई की जेल में ही हत्या की गई थी। जो जेलर है, जो सुपरिंटेंडेंट है, कुलदीप सेंगर का रिश्तेदार है। दूसरा, इनका एक रिश्तेदार वहीं का ठेकेदार है जो राशन सप्लाई करता है। टोटल जेल में, उन्नाव जेल में रह के तो हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। ये अपनी चौपाल लगाएंगे वहाँ से, अपने घर में जैसे हैं, दीवार के अंदर हैं पर इतना फर्क है, बाकी बाहर हैं। आप समझिए, पूरा क्लियर है। बहरहाल खलनायक कुलदीप सेंगर का खौफ इस कदर है कि उन्नाव जेल प्रशासन भी इसके सामने नतमस्तक है, जिसके चलते पीड़ित परिजन अपना केस दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील कर रहे हैं। उन्नाव से भारत समाचार के लिए अनुराज की रिपोर्ट। वाराणसी में पुलिस का एक खौफनाक चेहरा देखने को मिला। जिलाधिकारी के आदेश पर कई थानों की पुलिस और भेलूपुर क्षेत्राधिकारी ने बिना नोटिस दिए एक मकान की कुर्की कर दी। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए और पूरे माजरे को समझिए। वाराणसी में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर एक परिवार को घर से बेघर कर दिया। मामला वाराणसी के पहाड़ी गेट इलाके का है।
जहां बीती रात जिलाधिकारी के आदेश पर पहुंची कई थानों की पुलिस समेत भेलूपुर क्षेत्राधिकारी ने यहां रहने वाले राम बालक सिंह नाम के एक शख्स की संपत्ति को बिना नोटिस दिए ही कुर्की कर दी। घर में तो पुलिस जबरदस्ती हिल गई, हमारा संपत्ति है, हमारे नाम से है, ये लोग टबलू सिंह बबलू सिंह नाम पर तोड़ दिए। और क्या किया? हाल तो सब सामान वामान सब बंद कर दिए। ये नहीं नोटिस भेजे हैं, कुछ भेजे हैं, एकाएक 10 गाड़ी आई, पहले कमरा कुल तोड़ दिए, कमरा तोड़ने के बाद गेट तोड़ दिए, घर में सब हिल गए ढाई ढाई, उसके बाद फिर घर चले आए, कह रहे हैं घर में सील लगा दिए, हम लोग के यहाँ निकाल दिए, घर में सील लगा दिए। हमारे घर में कोई है नहीं, उनको नोटिस देना चाहिए ना। मकान हमारे आदमी जमीन खरीदे हैं, मकान हमारे संपत्ति राम बालक सिंह के नाम पर है और बिना नोटिस दिए पुलिस ने मकान को कुर्क कर दिया। मामले को लेकर पुलिस सिर्फ इसे आदेशों का पालन ही बता रही है। कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत आदेश किया गया था संपत्ति सीज करने का, उसी के आदेश के अनुक्रम में आज ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक कर्मचारी मुकेश की हत्या के मामले में पुलिस ने एक परिवार के 5 सदस्यों को आरोपी बनाया था, जिसमें से 4 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि खबरों के मुताबिक हत्या के मामले में पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे पकड़े गए लोग दोषी करार हो सकें। अब सवाल ये है कि इस मामले के पीछे आखिर कौन है और क्यों पुलिस मामले की लीपापोती में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हरदोई में साइबर अपराधियों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा, पुलिस दरोगा को एटीएम ब्लॉक होने का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने उसके खाते से 8 लाख रुपए निकाल लिए। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। एक तरफ दुनिया इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर क्राइम भी अपने पैर फैलाता जा रहा। साइबर क्राइम का ताजा मामला हरदोई के टडियावा इलाके में देखने को मिला, जहां साइबर अपराधियों ने यूपी डायल 100 पर तैनात एक दरोगा भोजराज सिंह को निशाना बनाया। दरोगा के मुताबिक 26 अप्रैल को उसके मोबाइल पर एक फोन आया था, फोन पर मौजूद शख्स ने खुद को बैंक का हेड अकाउंटेंट दीपक वर्मा बताया और उसने कहा कि उसका एटीएम ब्लॉक कर दिया गया है, जिस वजह से उसे 25 अप्रैल को बैंक बुलाया गया था, लेकिन वो बैंक नहीं आया था, इसीलिए आधार कार्ड की जानकारी वो फोन पर उपलब्ध करा दे। और फिर क्या था, दरोगा ने उसकी बात का भरोसा कर लिया और उसको सारी जानकारी दे दी, जिसके बाद अगले दिन जब उसने खाता चेक किया तो उसे पता चला कि उसके खाते से 8 लाख रुपए गायब। जिसको मैं ड्यूटी पे था तो फोन आया कि आपका एटीएम जो है ब्लॉक कर दिया गया है, आपको बैंक में बुलाया गया था, आप नहीं पहुंचे, तभी आधार कार्ड का नंबर मांगा, हमने एटीएम एक्टिवेट करने की वजह से आधार कार्ड का नंबर दे दिया। आज हमने खाता जब चेक किया है तो हमारा करीब 8 लाख नंबर खाते से पैसा मतलब 26 से लेकर आज तक निकाल दिया है खाते से। दरोगा ने मामले की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को दी और कार्रवाई की मांग करने लगे। फिलहाल एसपी ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इन्होंने सूचना दी है प्रार्थना पत्र के माध्यम से कि इनके 8 लाख रुपए अकाउंट से निकाल लिए गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इनसे आधार कार्ड का नंबर एटीएम से लिंक कराने के लिए पूछा गया और उसी में गफलत में इन्होंने अपना एटीएम पिन बताया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं ने हमारी जीवन शैली को आसान बना दिया है, लेकिन इस माहौल में जरूरत हर वक्त चौकन्ने रहने की, क्योंकि साइबर अपराधी हर वक्त किसी न किसी गलती का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। पश्चिम यूपी की पुलिस भले ही बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए एनकाउंटर मोड पर काम कर रही हो, लेकिन बदमाशों में इसका जरा सा भी खौफ नहीं है। मामला बागपत से है, जहां मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई महिला के साथ गैंगरेप करने की बात सामने आई है। कौन है ये वहशी दरिंदे, देखिए इस रिपोर्ट में। महिला से दरिंदगी की ये वारदात शहर के कोतवाली इलाके के गौरीपुर गांव की है।
जहां मेरठ की रहने वाली एक महिला अपनी बहन के घर रिश्तेदारी में आई थी। आज सुबह महिला को कमर में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद वो स्टोर पर दवाई लेने गई थी। स्टोर पर जाकर महिला ने कमर दर्द की दवाई मांगी। आरोप है कि स्टोर संचालक ने महिला को वहीं बैठा लिया और बातचीत बढ़ाते हुए कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। महिला ने कोल्ड ड्रिंक पी और उसे नशा हो गया, जिसके बाद आरोपी साले और जीजा ने मिलकर महिला को स्टोर के ऊपर बने कमरे में ले गए और बारी बारी उसके साथ गैंगरेप किया। नशे की हालत में लेटी महिला ने उनका विरोध किया, लेकिन दरिंदों ने उनकी एक ना सुनी। जब महिला घंटों तक घर वापस नहीं लौटी तो उसकी बहन उसे तलाश करती हुई स्टोर पर आई, जहां आरोपी ने उसे दवाई देकर आराम कराने की बात बताई। महिला जब अपनी बहन के पास गई तो उसने देखा कि एक आरोपी उसे होश में लाने का प्रयास कर रहा है। तभी महिला ने पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों को दी। यहाँ कैसे आई? यहाँ मेरी बहन और भाई काम चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। कोल्ड ड्रिंक ली? किसने दी कोल्ड ड्रिंक? मेरी इनके साले ने। अच्छा, फिर वो नीचे रह गए, काला फिर काला आया, फिर बाद में वो आया। गलत काम करा? तेज बोलो। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पूरी घटना से पर्दा उठने के बाद शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बेहोशी की हालत में पड़ी महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पीड़िता का इलाज चल रहा है। पुलिस को सूचना मिली कि मेडिकल स्टोर पे एक युवती दवा लेने गई थी। दवा लेने के बाद वो वहाँ पे बदहोश हालत में मिली है। उसकी बहन ने ला करके उसको यहाँ एडमिट करा दिया है और जैसे ही उसको होश आएगा, जो भी तहरीर देगी, उसके अगर कोई अपराध बनता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद से आरोपी स्टोर संचालक, जिसका नाम काले और साला, मौके से फरार है। काले निवाड़ा गांव के गोरीपुर मोड़ पर जनता मेडिकल स्टोर के नाम से मेडिकल चलाता है। पुलिस पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के लिए बागपत से देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी इन्वेस्टिगेशन। देखते रहिए भारत समाचार। एक कहावत कही जाती है, भैया डकैत नहीं डकैत के नाती हैं। ये कहावत अब सिर्फ कहावत नहीं रह गई है, बल्कि हकीकत में तब्दील हो चुकी है, जिसका एक नमूना उस समय देखने को मिला जब आशियाना पुलिस ने डकैत नहीं बल्कि उसके नाती को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया लुटेरा बहुचर्चित डकैत डाकू मान सिंह का नाती है, जिसको पुलिस चेन स्नैचिंग करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। डाकू तो डाकू, उनके नाती को भी पुलिस पकड़ लाई। ये बात हम किसी कहावत की नहीं कर रहे, बल्कि ये हकीकत है। आपने मशहूर और कुख्यात डकैत मानसिंह का नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो हम आपको मानसिंह और उनके नाती के बारे में बता देते हैं। मानसिंह चंबल के बड़े डकैतों में से एक थे और उनके नाती चैन स्नेचर। जी हाँ, लखनऊ की आशियाना पुलिस ने अजय सिंह नाम के चैन स्नेचर को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह एक महिला की चैन लूट कर भाग रहा था। गिरफ्त में आए अजय के साथ उसका साथी आकाश रस्तोगी भी गिरफ्तार किया गया है, जो अजय से लूटा हुआ सोना आधे दाम में खरीदता था। एक अकेला व्यक्ति जिसका शरीर से जो काफी हष्ट-पुष्ट है, वो मोटरसाइकिल पे बैठ के लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाओं को, लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। तो उसी क्रम में पुलिस लगातार इस अपराधी का सीसीटीवी के माध्यम से और पुलिस के जो मुखबिर होते हैं उनके माध्यम से इसकी जाँच पड़ताल और खोजबीन में लगी हुई थी। उसी में टीम आशियाना को, जिसमें सचो आशियाना और कांस्टेबल सुमित की टीम को इसमें सफलता मिली है, जिसमें सीओ कैंट का सफल निर्देशन रहा है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार अजय सिंह कुख्यात और मशहूर डकैत मान सिंह का नाती है और राज्य स्तर का हैंडबॉल का खिलाड़ी है, पर स्पोर्ट्स कोटे और पढ़ाई लिखाई के बाद भी जब उसे नौकरी नहीं मिली तो उसने समाज की बुराई को हाथ लगा लिया और चैन स्नैचिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा।
जिसमें उसका भरपूर साथ दिया आकाश रस्तोगी ने, जो चोरी का माल खरीद कर अपनी दुकान में सजा लेता था। पुलिस ने इसके पास से एक इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट तौल मशीन भी बरामद की है, क्योंकि वह खुद लूटा हुआ सोना वजन कर सुनार को देता था, ताकि पैसों में उसके साथ कोई हेरा फेरी न की जा सके। एग्जैक्टली जहाँ जहाँ हमें फुटेजेस मिली हैं, जहाँ जहाँ इसके नंबर के लोकेशन होना पाया गया है, तो वहाँ लगभग 7 घटनाएं इसके पकड़े जाने पर सफलतापूर्वक उनका अनावरण किया गया है। साथ ही दिलचस्प बात इसमें यह है कि जो एक सुनार जिसकी इससे लगातार बातचीत होती थी, घटना होने के बाद ये उसको बताता था बाकायदा कि मैंने घटना कर ली है, मैं चेन लेके आ रहा हूँ, तो वो कनेक्शन एक इस्टेब्लिश हुआ है, जिसमें कि ये भी एक चिंता का विषय है कि यहाँ जो ज्वेलर हैं वो लगातार ऑर्गेनाइज तरीके से इससे चेन को खरीद रहा था। अजय पर कानपुर में कई लूट के मुकदमे दर्ज हैं और कानपुर से वो कई बार जेल भी जा चुका है, पर लखनऊ में लूट का इतिहास इसका नया है, जिसकी वजह से ये पहली बार लखनऊ में पकड़ा गया और पूछताछ में इसने लखनऊ में 7 लूट की वारदातों को कबूला है। पुलिस ने जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी की है, उससे विश्वास है कि विगत कुछ वक्त से राजधानी में जो भी लूट की वारदातें हो रही थी, उससे जनता और पुलिस को काफी राहत मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। शातिर दिमाग गुनहगार एक्टिव हैं और वो आपके आसपास ही रहते हैं, वो हर वक्त एक नए जुर्म की कहानी गढ़ रहे होते हैं और हम उनका पीछा कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन तब तक जारी रहेगी जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, लेकिन जाने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आप भी रहिए सावधान और सतर्क। नमस्कार, जय हिंद। Thank you.